वही ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हमीरपुर से है, जहां जिले में सरीला नगर पंचायत में सुविधाओं के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि नगर में पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा को लेकर कोई भी अधिकारी व नेता ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में काशीराम कॉलोनी सरीला नगर पंचायत के लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता शिव बालक अनुरागी की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कांच सभी खिड़कियों का टूट चुका है और यहाँ की जो स्थिति आप कूड़ा देख पा रहे हैं, जो यहाँ की स्थिति जंगल भारी खड़ा हो गया है। इन सब में कहीं ना कहीं सरकार की भारी कमी है और जो जे सरकार गरीबों को राशन देकर बहकाने और उसको वो देने की बात करती है कि सबको सबको सबका साथ सबका विकास, यहाँ केवल नगर पंचायत सरीला में केवल नाम के लिए ही ये सबका साथ और सबका विकास है। मेरे साथ काशीराम कॉलोनी के बासिंदे हैं, मैं जानना चाहता हूँ किस प्रकार यहाँ है और कैमरामैन से चाहूंगा जे इस तरफ जो राशन की दुकान के लिए कोटा बनाया गया था वो आज तक इसमें ना ही राशन ना ही कोटे किसी कोटेदार की नियुक्ति की गई है। मेरे साथ काशीराम कॉलोनी के बासिंदे हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? रामका जी। क्या समस्या है? यहाँ सब गंदगी है, स्कूल में ना खुला कोटा और पानी नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि युवा मेरे साथ है तो क्या नाम है आपका, क्या समस्या है और किस प्रकार की यहाँ पे जो नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं तो इस बार क्या आशा पाई जाती है आपको? आशा तो कुछ नहीं पाई जाती, जितनी प्रत्याशी है मतलब सीट चेंज हो गई है भाई, यानी जो समस्या है कई सालों से बनी हुई, जब से कॉलोनी आवंटित हुई है यहाँ ना तो पानी की सुविधा है, एक ट्यूबवेल लगा हुआ है उसमें खारा पानी देता है और बच्चे जो विद्यालय बना हुआ है वो कभी चालू नहीं हुआ, बाकी यहाँ पे नगर पंचायत के द्वारा या अदर किसी के द्वारा भी यहाँ भूसा डलवाया जाता है, पाइपलाइन जली जाती है, पूरे दिन गंदगी पड़ी रहती है, मटिया के बांधी जाती है, शिक्षा का तो कोई महत्व नहीं है यहाँ कि यहाँ के बच्चे एक एक दो दो किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ के बासिंदों का कहना है कि खासतौर से बच्चे ये यहाँ पे लगभग 100 परिवार से भी अधिक परिवार रहते हैं यहाँ पे और यहाँ पे बच्चों के स्कूल के लिए यहाँ से बस्ती लगभग लगभग 1 किलोमीटर के आसपास दूरी पर है, यहाँ से छोटे छोटे बच्चों का स्कूल में जाना एकदम ये समझो कि नामुमकिन, उसको मुश्किल ही है, रास्ता भारी है, हाईवे है, यहाँ पे निकलने में बच्चों को काफी दिक्कत पड़ती है और सरकार के लाखों करोड़ों की बिल्डिंग होते हुए भी आजकल बच्चे शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, तो मैं सरकार से क्यों आगाह करना चाहता हूँ और भी समस्या है मैं आपको बता दूं, स्वच्छता के नाम पर भी करोड़ों रुपए नगर पंचायत में आते हैं मगर सब इसी प्रकार केवल लीपापोती करके ही यहाँ पे घोटाले में जो नगर पंचायत सरीला जनपद में लगभग लगभग नंबर एक पे घोटाला यहाँ पे हुआ है, इसकी जांच के लिए कई लोगों ने आपत्तियां भी वहां दी है, वो अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। मैं हमीरपुर से शिवालक अनुरागी, केकेटी न्यूज हमीरपुर।